स्वागत है आप सभी का लेटेस्ट रिएक्शन मिक्स के एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम मोदी जी के एक पुराने इंटरव्यू की क्लिप देखने जा रहे हैं। तो वो क्लिप तो वैसे पुरानी है, लेकिन पाकिस्तान में बहुत ही अभी चर्चा में है, क्योंकि इमरान खान के जो डोसा खाना केस है उसी से रिलेटेड है। क्योंकि मोदी जी तो ऐसे गिफ्ट बेचकर पैसे नहीं खा जाते जैसे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर्स करते हैं। तो शुरू करते हैं आज का मिक्स रिएक्शन। लेकिन एक चीज साफ दिखती है मोदी जी कि आपको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। होता है एक फकीरी है आपके स्वभाव में। ये कहां से आई? क्या आप हमेशा से ऐसे ही थे या धीरे 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 फकीरी आती चली गई? ये बहुत ही पर्सनल नेचर का सवाल है। नहीं मोदी जी, हाँ, ये जरूरी सवाल है। ऐसा है कि मुझे मेरी कविता के शब्द बहुत याद रहते नहीं। जी, आपने कविता ने कहा भी है कहीं, फकीरी के का जिक्र बहुत किया है। बहुत पुरानी मेरी अगर एक अगर मैं आपसे ये आग्रह कर सकूं कि अगर एक दो लाइनें मुझे भी बता दें मेरी तो मेरी कठिनाई है, राती में आपकी कविता, मुझे पता है। मुझे याद नहीं रहती है कविता, इसलिए मैं कह नहीं हाँ पाऊंगा। लेकिन मैं सोशल मीडिया में मेरी उस कविता को डाल दूंगा, जी, जरूर डालिए। क्योंकि मुझे याद नहीं है। तो मैं लेकिन वो गुजराती में है, और गुजराती में रमता राम अकेला करके मैंने उस शब्दों को, मेरे भावों को व्यक्त किया है। देखिए, मैं समझता हूं कि ये फकीरी वगैरह जो है ये मन की अवस्था से जुड़ा हुआ विषय है, और वो इंजेक्ट करने से नहीं आती है। सही बात है। हालात तो उसको पैदा नहीं करते हैं। अगर वो इनबिल्ट होता है तब जाकर के होता है। और शायद मैं कोई अपनी तारीफ करने के लिए नहीं कह रहा हूं, मुझे क्षमा करना, लेकिन प्रसून जी ने सवाल पूछा है, मैं जवाब न दूं तो ठीक नहीं लगेगा। जब मैं गुजरात में था मुख्यमंत्री के नाते, हम भी थे। तो सार्वजनिक समारंभ में जाता था तो लोग भेंट सौगात देते हैं, बढ़िया सा शॉल देते हैं, कभी कोई चांदी की तलवार दे देता है, कोई अच्छा अच्छा ताजमहल दे देता है, कुछ ना कुछ देते रहते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया गिफ्ट पेंटिंग एक्सचेंज। देते हैं। तो मैं भी इंसान हूँ, मेरा भी मन करता है यार ये बहुत बढ़िया पेंटिंग इस घर में, इस दीवार पे लगाऊंगा, मेहमान आएंगे तो अच्छा लगेगा, ये हाँ, बढ़िया से मूर्ति दी है यहाँ रखूंगा तो बहुत अच्छा, मेरा भी मन कर, आपका भी मन करेगा, करेगा या नहीं करेगा? सबका करेगा। मेरा मन नहीं करता था। और मैं ये सारी चीजें सरकार का जो ट्रेजरी होता है, तोशा खाना बोलते हैं, उसमें डाल देता था। क्या वो बात भी है। बड़े तंग आ गए कि ऐसा क्या सब्जी से आप बारिया भेज देते हो। मैंने कहा मैं कहाँ रखूंगा भाई, मेरे कौन संभालेगा इन चीजों को, कोई उसके लिए किसी को रखना पड़ेगा मुझे, मैं दे देता था। फिर मैं उसका वैल्यूएशन करवाने लगा, फिर मैंने उसका ऑक्शन करवाना शुरू किया। हम लोग जानते हैं हिंदुस्तान में राजनेताओं के साथ ऐसी बातें सब सच होती है, सभी मैं नहीं कहता हूं, सब झूठ होती है, ये भी मैं नहीं कह सकता। लेकिन ये तो होता है कि यार वो फलाना था इतना ले गया। हाँ, लेकिन मैं गर्व से कहता हूं कि जब मैंने गुजरात छोड़ा था तो ये जो मुझे मिलती थी चीजें, मैं उसका लगातार ऑक्शन करता था पब्लिक में, और ऑक्शन करके उससे जो पैसा आता था वो मैं गर्ल चाइल्ड एजुकेशन के लिए सरकार में डोनेट क्या कर बात, देता। जबरदस्त। और करीब करीब 100 करोड़ से ज्यादा रुपये वाह, ऑक्शन से, और फिर लोग मुझे चेक भी देने लगे। किसी फंक्शन में जाता था तो चीज देने की हाँ, बजाय गर्ल चाइल्ड एजुकेशन के लिए चेक देने लगे। ये अच्छी अमाउंट बात है। करीब करीब 100 करोड़ से ज्यादा थी जो मैं बच्चियों की शिक्षा के लिए देके कर रहा हूं। जबरदस्त। जब मैं मुख्यमंत्री से निकल करके दिल्ली आना तय हो गया, आप लोगों ने मुझे धक्का मार दिया, तो
तो मैंने मेरे अफसर जो थे उनको बुलाया, मैंने कहा भाई ये जो मैं एमएलए के नाते कमाता था, क्योंकि एमएलए के नाते पैसे मिलते थे, मैंने कहा पैसे पड़े हैं क्या करेंगे हम लोग, मैं कहाँ ले जाऊंगा, आप हैरान होंगे सुनकर के, मुझे अभी याद नहीं है शायद 5-6 लाख रुपया था। मैंने कहा भाई मैं तो कोई सरकार में दे देना चाहता हूँ, और मैंने कहा मेरी इच्छा ये है कि गांधीनगर के सचिवालय में जो ड्राइवर और प्यून है उनके लिए मैं अमाउंट छोड़ दूं, आपको इसका व्यवस्था कर दीजिए, और उसके ब्याज में से ये ड्राइवर और उनके प्यून के बच्चों को कुछ न कुछ मदद मिलती रहे, वो पढ़ते रहे, इसी व्यवस्था कीजिए। मेरे जो अफसर थे सुन रहे थे मुझे, कुछ बोले नहीं, वो अफसर बड़े कुशल होते हैं, मुंडी ऐसे से हला रहे थे। मैं भी सोच रहा था मेरी बात मान ली, कुछ करेंगे। 2 दिन के बाद उनका साहब हम जरा घर में मिलने आना चाहते हैं, मैंने कहा आई जाइए, क्योंकि मुझे जाने की तैयारी कर रहा था। उन्होंने कहा साहब आप ऐसा मत कीजिए। अच्छा, उन्होंने कहा पता नहीं कब आपको पैसों की जरूरत पड़ जाए और आपके पास कुछ है नहीं। मेरे अफसरों ने मुझे वो पैसे देने नहीं दिए, तो मैंने कहा यार कम से कम मैं तो क्या करूंगा इसे ले जाकर। आखिरकार वो बहुत समझाने पर मान गए, और सारे पैसे तो मेरे उन्होंने लेने से मना कर दिया, लेकिन एक छोटा सा फाउंडेशन बनाया, और मुझे याद नहीं आज शायद 21,000 रुपया इतना कुछ शायद उसमें मैं दे करके इन गरीब लोगों के लिए दे करके निकल गया। शायद मेरी जिंदगी ही मैं ऐसी अभाव में पैदा हुआ हूं, इसलिए मुझ पर किसी चीज का प्रभाव नहीं होता है। और ये फकीरी वगैरह है वो तो शब्द बड़े हैं, लेकिन मैं औलिया हूं, ये मेरा कोई लेना देना नहीं, बस वही है सर फकीरी, उसी का हम जो हमसे जिक्र कर रहे थे। नहीं, आपने वो हर चीज में परिलक्षित होती है। तो तोशा खाना के जो गिफ्ट होते हैं पाकिस्तान में, तो उसका रवाज जो है वो बिल्कुल अलग है, इंडिया में उसका बिल्कुल अलग है। मतलब कितने से बदल जाती है। नहीं, अलग नहीं है, सेम टू सेम है भाई साहब। अब मोदी जी आए तो थोड़ा सा अलग हो गया, डिफरेंट हो सकता है, सोच ये कह सकते हैं पहले तो वहां पर भी ऐसे ही सिस्टम था। हाँ, हम उकर नहीं सकते भाई, सारी बात उनके यहाँ भी पिछले जितने भी आए कहीं ना कहीं चलो चोरी ना की होगी, खरीद कर अपने घर ले गए होंगे। मैं भी कहूंगी कि मुझे भी एक बहुत ही डिफरेंट साइड उनकी देखने को मिली है, क्योंकि भाई यहाँ पर तो हम लोग हमेशा से ऐसे ही पॉलिटिशियंस देखते आए हैं जिन्होंने एग्जैक्टली मौजम अली में बात कोट करूंगी, ये बहुत ही ब्रांडेड चीजें पहननी होती हैं और कहीं से सिंप्लिसिटी नजर नहीं आ रही होती। इवन के मैं जो महिलाएं हैं पाकिस्तानी जो पॉलिटिशियन है मैं उनको देखती हूँ तो वो बहुत डिफरेंट है, और इंडियन पॉलिटिशियंस को देखो जो महिलाएं वो बहुत सिंपल आपको नजर आती हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। सबसे पहले तो वो जो कविता का जिक्र कर रहे थे, तो मैं अगर मुझे मिल जाए तो मैं उसका लिंक या वो कविता कॉपी करके मैं डिस्क्रिप्शन में जरूर डाल दूंगा। और जहाँ तक बात रही जो वो टोसा खाना या गिफ्ट कह लीजिए, जो लीडर्स के बीच में कोई अगर आता है और दूसरी कंट्री में भी जाते हैं तो गिफ्ट एक्सचेंज होते हैं, तो मोदी जी को भी सभी मिनिस्टर्स या चीफ मिनिस्टर कोई भी बड़ा लीडर को मिलता है वैसे ही उनको भी मिलता था, लेकिन उन्होंने अपने जो गिफ्ट मिले थे उसको ऑप्शन करके एक बहुत ही अच्छे कॉज के लिए उन्होंने डोनेट किया, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और आज भी वो ऐसा ही करते हैं, उनके कई सारे ऐसे जो उनको गिफ्ट मिलते हैं उसको भी वो ऑप्शन ही करते हैं, और जो चैरिटीज और जो इस तरह के कॉज होते हैं उसमें ही डोनेट करते हैं। तो इसलिए तो हमारा देश तरक्की कर रहा है, क्योंकि लीडर्स हमें
मोदी जी जैसे मिले हैं, और दूसरी तरफ जो पाकिस्तान में ये क्लिप वायरल हो रही है, इसलिए हो रही है कि वहाँ के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इसको बेच के बहुत ही कम दाम में उन्होंने खरीदा गवर्नमेंट से और उस पर भी प्रॉफिट बनाया। तो यही तो हमारे और उनके बीच में डिफरेंस है। तो आपके क्या विचार है वो हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी मत।